प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT परीक्षा 17 और 18 अगस्त को जनपद के 10 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में 10 केंद्रों पर PGT की परीक्षा कराई जाएगी। 17 और 18 अगस्त को 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा सम्पन्न होगी, जिसकी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा की सूचिता के लिए सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। DIOS ने सभी परीक्षार्थियों से अपील किया है कि परीक्षा के समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, तैयारी पूरी हो गई है। जो हमारी PGT की परीक्षा होगी ना, कल परसों तैयारी पूरी हो गई है। और जो पहले भी वहाँ TGT हुई, जो परीक्षा हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, ये भी अच्छी परीक्षा होगी हमारी। कितने केंद्र हैं? हमारे जनपद में 10 केंद्र हैं, जिसमें 2 हमारे राजकीय हैं, 8 एडेड हैं। कितने छात्र हर शिफ्ट अलग अलग हैं? ये सुन ले, 4 शिफ्ट हैं, 17 को लगभग हमारे पास में बच्चे हैं, 6,500 बच्चे हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में हैं 18 को लगभग हमारे पास 5,500 बच्चे लगभग हैं। शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था कोई सेक्टर में विशेष नीति है? हाँ, ऐसा है, हर सेंटर पर 50% हमारे जो कॉलेज है वहाँ के टीचर लगाए गए हैं, 50% दूसरे विभाग के टीचर लगाए गए हैं। हर सेंटर पे एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट है दूसरे विभाग का, एक का पर्यवेक्षक है और 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो लगातार निगरानी करते रहेंगे, और 3 हमारे सचल दल हैं। तो सर, परीक्षार्थी से कहेंगे कि कब पहुँचना परीक्षा केंद्र उनको? कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना चाहिए वहाँ पर। 9:30 से 11:30 परीक्षा है, तो 8:30 में पहुँच जाना चाहिए वो सेंटर पर।